क्या आपके पास लेनेवो का लैपटॉप है और आपके लैपटॉप पे ब्लूटूथ जो है वो काम ही नहीं कर रहा है, या ब्लूटूथ जो है वो सो ही नहीं कर रहा है, या और भी कोई समस्या आ जा रहा है, जैसे कि ब्लूटूथ जो है वो किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जैसे कि मोबाइल हो गया, एयरफोन हो गया, प्रिंटर हो गया, होम थिएटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जो भी डिवाइस ब्लूटूथ से चलता है उसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या और भी कोई समस्या आ जा रहा है, तो बस आप केवल इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। जितना भी समस्या आ रहा है ब्लूटूथ से रिलेटेड, सारा का सारा प्रॉब्लम इसी सिंगल वीडियो में आपका सॉल्व हो जाएगा। बस आप केवल इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लैपटॉप में ब्लूटूथ के नहीं रहने का मुख्य कारण होता है ब्लूटूथ ड्राइवर का अपडेट ना होना लेटेस्ट वर्जन में, या ब्लूटूथ ड्राइवर का इंस्टॉल ना होना, या ब्लूटूथ में येलो मार्क या डाउन एरो का साइन आ जाना, या बायोस का अपडेट ना होना, या ब्लूटूथ सपोर्ट सर्विस का ऑफ होना यानी कि ऑन नहीं रहना। और भी बहुत कारण हो सकते हैं, पर मुख्य कारण जो है वो यही है ब्लूटूथ के लैपटॉप में नहीं रहने का। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है डिवाइस मैनेजर। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है डिवाइस मैनेजर। तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर जो है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे आपका ब्लूटूथ दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। यदि यहाँ पे आपका ब्लूटूथ दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में ब्लूटूथ का ड्राइवर इंस्टॉल है। नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में ब्लूटूथ का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। तो एक बार आप है सो यहाँ पे व्यू में क्लिक करके यहाँ पे सो हिडन डिवाइसेस कर दीजिए, तो हो सके हिडन रहेगा तो यहाँ पे दिखा देगा। और यदि फिर भी नहीं दिखा रहा, तो आपको जो है इसके ड्राइवर को सबसे पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यदि दिखा रहा है, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि इसको लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर देना पड़ेगा। यहाँ से अपडेट होता है, तो आपको जो है इसको लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर देना है, तभी ये काम करेगा। तो यदि आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर दीजिए, नहीं तो आप इसे अनइंस्टॉल करके, यदि ये काम नहीं कर रहा है तो इसे अनइंस्टॉल करके न्यू ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दीजिए, तो आपका ब्लूटूथ का सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप है सो अपने कंप्यूटर के लिए न्यू ब्लूटूथ ड्राइवर को कहाँ से डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो क्रोम ब्राउजर खोल लेने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है लेनेवो सपोर्ट एंड सर्विसेज, ये लिख के आपको इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पहले ही वाले लिंक पे क्लिक कर देना है, इस लिंक पे लेनेवो सपोर्ट एंड सर्विसेज, इस लिंक पे आपको करना क्या है क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ लोडिंग लेगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वैसे इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्ट आप आ सकते हैं। तो देख सकते हैं ये खुल गया है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे सर्विस एंड सपोर्ट में अपने माउस के कर्सर को ले जाना है। उसके बाद यहाँ पे ड्राइवर डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको हटाइए, यहाँ पे फिर से ले जाता हूँ, ड्राइवर डाउनलोड एंड सॉफ्टवेयर अपडेट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद यहाँ पे एक और नया पेज खुलेगा, तो आपको यहाँ पे ऊपर में सर्च बार में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपके लैपटॉप का जो भी मॉडल नंबर हो उस मॉडल नंबर को यहाँ पे डाल देना है, तो यहाँ पे आपका लैपटॉप दिखा देगा। तो यदि आपको अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं कि लैपटॉप का मॉडल नंबर कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर यहाँ पे डाल देना है, तो आपका लैपटॉप का जो भी मॉडल नंबर हो वो यहाँ पे आप जो है डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका लैपटॉप दिखा देगा, तो यहाँ पे आपको करना क्या है क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना मैनुअल अपडेट में, यहाँ पे फिर से लोड हो रहा है पेज, लोडिंग होने दीजिए, देखिए लोड हो गया। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना मैनुअल अपडेट पे, यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला ऑप्शन, देखिए ब्लूटूथ का, ठीक है, ब्लूटूथ एंड मॉडम। यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। तो देखिए खुल गया। तो देखिए मॉडल नंबर डालने का क्या फायदा हुआ, मैंने जो भी मॉडल नंबर अपना लैपटॉप का डाला, देखिए यहाँ पे मेरा मॉडल नंबर दिखा दिया। तो मॉडल नंबर डालने का फायदा ये है कि ना ही मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करना है और ना ही बीट को चूज करना है। ठीक है,
मॉडल नंबर डालने से इसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपके लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बीट क्या है, सारा चीज पता चल जाएगा कि आपके लैपटॉप में कौन सा ब्लूटूथ लगा हुआ है, कौन सा वर्जन का लगा हुआ है, सारा चीज पता चल जाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट होता है मॉडल नंबर के थ्रू से ही ब्लूटूथ ड्राइवर को खोजना यानी कि सर्च करना। तो आपको करना क्या है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी आप जो है एक बार चेक कर लीजिए कि आपका जो लैपटॉप है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। मॉडल नंबर जैसे मैंने यहाँ पे डाला तो यहाँ पे दो दिखा रहा है, तो हो सके किसी का 10 भी रहता है, किसी का 11 भी रहता है, अपने से उसको अपग्रेड कर देते हैं। तो आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसी को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे चेक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा है, यहाँ पे रुक गया है। तो आपको करना क्या है, यदि आपका भी इस तरह रुक जाए, रेड एरर आ जाए, तो आपको यहाँ पे कीप में क्लिक करके यहाँ पे कीप एनीवे में क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। देखिए हो गया डाउनलोड, तो ये exe फाइल में है, तो आप इसे यहीं से इंस्टॉल कर सकते हैं, यहीं से ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसे इंस्टॉल करने के लिए, अब मैं इंस्टॉल करने के बारे में बता रहा हूँ, तो इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसी पे क्लिक कर देना आपको, उसके बाद यहाँ से रन कर देना है, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश से छोड़ देना है, ओके कर देना है, उसके बाद यहाँ से इसका टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है यहाँ से, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल पे चलिए है ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा, बोल देगा कि हाँ सक्सेसफुली जो है वो इंस्टॉल हो गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से ओके कर देना है और फिनिश पे क्लिक करके फिनिश कर देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको मिनिमाइज करना है, उसके बाद माय कंप्यूटर में राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे मेरा ब्लूटूथ का ड्राइवर आया कि नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे दिखा दिया, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे आपका जो ड्राइवर है जो आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया वो यहाँ पे दिखाया या नहीं दिखाया, क्योंकि कंप्यूटर में ब्लूटूथ नहीं चलने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है, ड्राइवर किसी का अपडेट नहीं रहता है, तो किसी का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं रहता है। तब ड्राइवर को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद चेक कीजिए कि यहाँ पे ब्लूटूथ का आइकन दिखा रहा है या नहीं, और ब्लूटूथ आपका काम कर रहा है या नहीं। यदि फिर भी काम नहीं करे तो आपको जो है अपने कंप्यूटर के बायोस को भी अपडेट करना पड़ेगा, और ब्लूटूथ सपोर्ट सर्विस ऑफ है या ऑन है इसको भी चेक कीजिए, ब्लूटूथ सपोर्ट सर्विस जो है ये ऑन होना चाहिए। तीन सारी चीज का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहां पे देख लीजिए उन वीडियो को। तो ये रहा लेनेवो के लैपटॉप में ब्लूटूथ चलाने का पूरा निचोड़। तो मैंने अपना काम कर दिया, बस आप भी अपना काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।